हिमाचल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों की गंभीरता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि 10 अगस्त तक राज्य सरकार स्थिति पर नजर रखेगी। ऐसे में यदि संक्रमण नहीं रुका तो आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में RT-PCR रिपोर्ट व वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश मिलेगा। सरकार राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी करेगी। CM जयराम ने कहा कि 10 अगस्त तक कोरोना के मामलों पर नजर रखी जाएगी और अगर मामले बढ़ते हैं तो कैबिनेट की 10 अगस्त को होने वाली बैठक में इस संबंध में और सख्ती की जाएगी। सुनिए क्या बोले CM जयराम। देखिए, ये चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए है। कोविड के मामलों में पिछले लगभग एक सप्ताह से ग्रेजुअल इंक्रीज, जिसको बोल सकते हैं, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी हुई है और लगभग 850 का ये मामले जो बढ़ करके 1400 के करीब पहुँचे, जो चिंता का विषय है ही। ऐसी सूरत में अब कुछ बातों पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने कैबिनेट की बैठक में पिछले कल निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले होंगे उनके लिए रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा इतना जरूर प्रयत्न किया है, एक एडवाइजरी के रूप में उसको जारी करने के लिए हमने कहा है। जो RT-PCR टेस्ट करके आ रहे हैं उनके लिए तो इजाज़त है ही, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन की डोज लगाई है वो हिमाचल प्रदेश में आए। और उसके बाद हमारी 10 तारीख को कैबिनेट की द्वारा अगली बैठक है, हम बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, और अगर इसमें मामलों में और ज़्यादा इंक्रीज होती है तो फिर और निर्णय करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसको मैंडेटरी जारी की है आने वाले समय में इस दिशा में, और उसके साथ साथ और भी रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।